गुड मॉर्निंग दोस्तों, अतुल राजस्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली दो क्लास अपनी बैराट सभ्यता की चल रही है। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा बैराट सभ्यता, पिछली क्लास अपनी रही है बैराट सभ्यता की। बैराट सभ्यता की खोज किसने की, आपकी क्लासे मैथ की भी चल रही है, जनरल साइंस की भी चल रही है। देखो कॉलर वोलर तो सब सेट है, तू टेंशन मत लिया कर, बच्चों को कॉलर नहीं ज्ञान से, ठीक है? ठीक है बेटा, देखो बैराट सभ्यता, बैराट सभ्यता जयपुर में है, बाण गंगा के किनारे है। खोज 1837 में, 1837 में बाबरू शिलालेख की खोज हुई थी और 1937 में दयाराम सानी ने बैराट सभ्यता की खोज की थी। ये ध्यान रखना दोस्तों, कल भी बताया था आपको 1837 ये तो बाबरू शिलालेख, और 1937 बैराट सभ्यता की खोज ये तो की थी कैप्टन बट ने, और इसकी खोज की थी सभ्यता की ये तो है बाबरू शिलालेख, और ये है बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता दयाराम साहनी। देखे दोस्तों, बात करें कि पहले बाबरू शिलालेख की खोज हुई थी या सभ्यता की, पहले बाबरू शिलालेख मिला ये किसका था, अशोक का। दोस्तों किसका था ये, अशोक का। कौन सी पहाड़ियों से मिला ये, बीजक की पहाड़ियों से। अब बात आए बीजक की पहाड़ियां कहां है, बैराट में। बीजक की पहाड़ियां कहां है, बैराट। तो बाबरू शिलालेख की खोज हुई 1837 किसने की, कैप्टन बट ने। जैसे कैप्टन बट ने यहां से शिलालेख मिला, जैसे खोज की, तो यहां पे जो खोज करता है, जो खुदाई करता है, वो सारे लग गए कि यार और भी जानकारी मिलेगी। तो यहां पे सफलता मिली दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी ने बैराट सभ्यता की खोज कर दी 1937 में। तो आगे बढ़ते हैं, पिछली अपनी क्लास थी बाबरू शिलालेख, ये आज पढ़ेंगे। कल पढ़ा था बौद्ध मंदिर किसने बनाए, अशोक ने। किसने बनाए दोस्तों, अशोक ने। क्यों बनाए, कल बताया था आपको, अशोक ने जो बौद्ध मंदिर बनाए थे, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग का युद्ध हुआ था, लाखों का कत्लेआम हुआ, ठीक है, लाखों को बंदी बनाया, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। कलिंग के बाद अशोक ने कौन सा नारा दिया था, धम्मघोष। कैसा नारा दिया था, धम्मघोष। तो आगे लिखते हैं, बैराट सभ्यता चल रही है दोस्तों आपकी। देखिए यहां पर राजस्थान है, ये बैराट है, ये क्या है दोस्तों, बैराट। अशोक ने बैराट में बौद्ध मंदिर बनाए, बौद्ध मंदिर बनाए, राजस्थान का सबसे प्राचीन बौद्ध केंद्र, राजस्थान का सबसे प्राचीन बौद्ध केंद्र। देखिए दोस्तों, अशोक ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा लगाई, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा लगाई। कहां लगाई दोस्तों, बैराट में। देखिए नोट्स जैसे सेम मैं उतार रहा हूं, नोट्स आपको ऐसे ही उतारने हैं। और दोस्तों नोट्स जब आप उतारोगे तो नोट्स को इस तरह से उतारना है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए। देखो आपको यूट्यूब चैनल पे डायग्राम से पढ़ाया जाता है, लेकिन नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि नोट्स जैसे उतार रहे हो ऐसे उतारोगे, एग्जाम में आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो बार बार नहीं कहूंगा, रोजाना कहता रहा हूं, अब तो कंटिन्यू क्लास भी चल रही है। अशोक ने बौद्ध मंदिर बनाए, बौद्ध मंदिर को स्तूप कहते हैं, मठ कहते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन बौद्ध केंद्र कहां है, बैराट में। अशोक ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कहां लगाई, बैराट में। देखिए दोस्तों, बैराट से अशोक की आहत मुद्रा,
जिसको हम कहते हैं पंचमारक मुद्रा। पंचमारक मुद्रा राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा, राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा। देखिए दोस्तों, बैराट से अशोक की आहत मुद्रा पंचमारक मुद्रा मिली। आहत मुद्रा पंचमारक मुद्रा मिली। आहत मुद्रा राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा है। राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी है, आहत मुद्रा या पंचमारक मुद्रा? देखिए दोस्तों, भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले शिलालेख, शिलालेख अशोक ने बनाए, अशोक ने बनाए। दोस्तों भारत में सबसे पहले शिलालेख किसने बनवाए थे, अशोक ने। बैराट से सूती कपड़े में लिपटी यूनान के शासक मिंडार की मुद्रा मिली, मिंडार की मुद्रा मिली, मुद्रा मिली। दोस्तों कितनी मुद्रा मिली थी, यहां लिख देता हूं मुद्रा मिली। इनकी संख्या पूछे कि सर संख्या कितनी है, 36। 28 थी यूनानियों की और 8 थी पंचमारक, 8 थी पंचमारक। देखिए दोस्तों, हम बैराट सभ्यता पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से बोल देता हूं, बैराट सभ्यता पढ़ रहे हैं। बैराट जो सभ्यता है जयपुर में बाणगंगा के किनारे, अशोक ने बैराट में बौद्ध मंदिर बनाया। बैराट में बौद्ध मंदिर किसने बनाया, अशोक ने। ये बौद्ध मंदिर कब मिले, 1998-99 में। राजस्थान का सबसे प्राचीन बौद्ध केंद्र कहां है, बैराट में। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा किसने लगाई, अशोक ने। दोस्तों बैराट से अशोक की आहत मुद्रा पंचमारक मुद्रा मिली, आहत मुद्रा पंचमारक मुद्रा मिली। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा है। भारत में सबसे पहले शिलालेख बनाए थे अशोक ने, बनवाए लगवाए गढ़वाए कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सूती कपड़े में लिपटी मिंडार के यूनान, मिंडार था एक, मिंडार यूनान का राजा था, ठीक है, उसकी मुद्रा मिली। उनकी संख्या पूछे कि सूती कपड़े में लिपटी मुद्रा मिली है, वो संख्या कितनी थी, 36 टोटल संख्या है, 28 उनको खोला गया, तो खोला तो अलग किया, तो 28 तो यूनानियों की थी, 8 पंचमारक थी, 8 किन की थी, पंचमारक। एक बार फिर से सुनो, ये क्वेश्चन आ जाए कि यूनानियों की मुद्रा किस सभ्यता से मिली, बैराट से। किस शासक की मिली, मिंडार। कहां का था ये, यूनान का। किस कपड़े में लिपटी हुई मिली है, सूती कपड़े में। इनके साथ और भी मिली है, पंचमारक। टोटल दोनों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 36। दोनों की संख्या कितनी थी, 36। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। देखिए मैं मिटा रहा हूं इसको, एक बार फिर से देख लिए। बैराट में अशोक ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा लगाई, बौद्ध मंदिर बनाया। भारत में सबसे पहले शिलालेख अशोक ने बनाए। राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी है, आहत मुद्रा या पंचमारक मुद्रा, आहत मुद्रा या पंचमारक मुद्रा। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बैराट सभ्यता को लेकर देखिए, ये हमने बना रखा है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। बैराट, बैराट से अशोक का बाबरू शिलालेख मिला, अभी बात कर रहे थे ना, बाबरू शिलालेख मिला।
शिलालेख मिला। कौन सी पहाड़ियों से बीजक की पहाड़ियों से, बीजक की पहाड़ियों से दोस्तों इसकी खोज की थी, खोज 1837 कैप्टन बट ने किस संग्रहालय में है वर्तमान में, तो वर्तमान कलकत्ता संग्रहालय में, वर्तमान किस संग्रहालय में रखा हुआ है ये। अब यहां क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी सन में रखा गया, 1840 में, कब रखा गया था ये 1840 में, बैराट में चीनी यात्री हेनसांग आया। दोस्तों हेनसांग किसके काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में। दोस्तों क्यों आया था ये बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। देखिए दोस्तों उपनाम है इसका, उपनाम यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि, और ग्रंथ का नाम है दोस्तों सी यू की। देखे दोस्तों बैराट सभ्यता पढ़ रहे हैं, बैराट में अशोक ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा लगाई, बौद्ध मंदिर बनाए, राजस्थान का सबसे प्राचीन बौद्ध केंद्र है, राजस्थान की जो प्राचीन मुद्रा है वो अशोक की है, आहत मुद्रा है, पंचमारक मुद्रा, भारत में सबसे पहले शिलालेख अशोक ने लगवाए, यहां तक आपने अभी पढ़ा। आगे है बैराट, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बैराट से अशोक का बाबरू शिलालेख मिला, कौन सी पहाड़ियों से मिला, बीजक की पहाड़ियों से, खोज 1837 कैप्टन बट ने। दोस्तों इसको यहां से ले जाके कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया 1840 में। बैराट में चीनी यात्री आया था हेनसांग, क्यों आया था हेनसांग, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। किनके काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में, 629 से 641 तक ये यहां रहा था भारत में, ठीक है, पढ़ाई करने आया था, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। इस हेनसांग का उपनाम है यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि, ग्रंथ का नाम है सी यू की। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हूं, देखिए एक बार फिर से बता देता हूं, बाबरू शिलालेख कौन सी पहाड़ियों से मिला, बीजक की पहाड़ियों से। बीजक की पहाड़ी कहां है, बैराट में। बीजक की पहाड़ी कहां है दोस्तों, बैराट। खोज किसने की, कैप्टन बट ने। किस संग्रहालय में रखा हुआ है, कोलकाता में। यहां चीनी यात्री कौन आया था, हेनसांग। कौन आया था, हेनसांग। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि, ग्रंथ का नाम है सी यू की। दोस्तों आज तीसरी क्लास है आपकी बैराट सभ्यता की, कौन सी क्लास है, तीसरी। एक बार पूरा सार में आपके सामने, लास्ट पूरी सभ्यता हो गई है, एक बार और बता देता हूं आपको ऊपरी तौर पे, बैराट सभ्यता को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों खोज की बात करें, किसकी खोज, 1937 दयाराम साहनी। दोस्तों यहां बीजक की पहाड़ी है, बताया था आपको गणेश भोमली, गणेश की पहाड़ियां, भोमली की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां, ठीक है। यहां से पहले बैराट का प्राचीन नाम था विराट नगर, विराट नगर। किसकी राजधानी थी ये, मत्स्य जनपद की, मत्स्य जनपद। यहां पे सारी पहाड़ियां मिली, ये मोस्ट है क्योंकि यहां से बाबरू शिलालेख मिला। पाषाण यानी पत्थर,
ताम्रपाषाण तांबे के पत्थर, भीमलौत आदि के अवशेष मिले, मुगल टकसाल के अवशेष मिले। यहां पर मैन आता है 1998-99, यानी बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले। दोस्तों बौद्ध मंदिर किसने बनाया था? अशोक ने। कल पढ़ाया पिछली क्लास में कि अशोक ने बौद्ध मंदिर क्यों बनाया, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। कौन सा युद्ध लड़ा था इसने? कलिंग का युद्ध। कलिंग से पहले कैसे थे ये रणबेरी वाले? कैसे थे? रणबेरी। कलिंग के बाद कैसे हो गए ये धम्यघोष वाले? यानी पहले थे ये रणघोष, यानी युद्ध का उद्गम, फिर नैतिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना। आप तो ऐसे याद रखना कि मारने काटने वाला, और फिर सीधी सी बात याद रखना, जीवो और जीने दो। दोस्तों ये पढ़ाया था आपको किस नदी के किनारे है बाणगंगा। आपको बताया था जब ये बैराट शुरू की बाणगंगा, अर्जुन ने उद्गम किया था। अर्जुन ने क्यों उद्गम किया? द्रौपदी को प्यास लगी, कुछ इतिहासकार कहते हैं वो केस धोने के लिए, जो भी है द्रौपदी ने मांग की थी, इसलिए यहां नदी का उद्गम किया गया। इसे बाणगंगा, ताला की गंगा, तीर की गंगा, ठीक है, कहते हैं बाणगंगा को। दोस्तों अशोक ने यहां से बौद्ध मंदिर अपनाया, किनके उपदेश में आ गया था? उपगुप्त के उपदेश में। और कहां आ गया अशोक? बैराट में। दोस्तों बैराट में अशोक ने क्या बनाया? बौद्ध मंदिर, जो हमें खुदाई में कब मिले? 1998-99 में। बौद्ध मंदिर बनाए, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा किसने लगाई? अशोक ने। कहां लगाई? बैराट में। कहां लगाई दोस्तों? बैराट में। राजस्थान का सबसे प्राचीन बौद्ध केंद्र कहां है? बैराट, ठीक है। भारत में सबसे पहले, यदि बात आए कि भारत में सबसे पहले शिलालेख किसने लगाए थे? अशोक ने लगाए। किसने लगाए थे? अशोक ने लगाए। भाबरू शिलालेख मिला अशोक का। कौन सा शिलालेख मिला? भाबरू। कब मिला? 1837। इस शिलालेख को कलकत्ता संग्रहालय में कब रखा गया? कलकत्ता, कोलकाता नहीं करना है, कलकत्ता, 1840। दोस्तों राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा किसकी है? अशोक की। बात करें कौन सी है? पंचमारक मुद्रा। पंचमारक मुद्रा, यहां पर मौर्यों का, गुप्तों का, हर्षवर्धन का अधिकार था, साथ में यूनानियों की मुद्रा मिली है। कौन से यूनानी शासक? मिंडार। कितनी मुद्रा मिली है इसकी? 28। 8 किन की मिली है? अशोक की। टोटल कितनी मुद्रा मिली है? 36। ये क्वेश्चन आरएस में पूछ लिया गया है। किस में पूछ लिया गया है? आरएस में। दोस्तों मैंने पूरी बैराट सभ्यता 3 पार्टों में पढ़ाई है। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा वो पहले पिछला वीडियो देखेगा। जैसे मैंने पढ़ाया इसका पूरा सार आपके सामने रख दिया, एक बार पूरा रिविजन कर दिया कि बैराट सभ्यता की खोज किसने की, कौन सी पहाड़ी है, प्राचीन नाम क्या है, बौद्ध मंदिर कब मिले, किसने बनाए, कहां बनाए, बौद्ध केंद्र क्या है, पूरा सार संग्रह आपके सामने रख दिया। जैसे ही पूरी, अब आपकी देखो एक मिनट के लिए, जिन बच्चों ने आज ही क्लास ज्वाइन की है, जो पिछली क्लास नहीं देखे वो क्या करेंगे वो देखो। जैसे ही अपना ये लिंक किसी को मिलता है, जैसे ही खुलता है तो कहते हैं कि सर आपका पिछला वीडियो नहीं मिल रहा है। जैसे ही खुलेगा, खोलते ही वीडियो जैसे ही चलेगा, ठीक है, तो वीडियो के नीचे लिखा हुआ मिलेगा अतुल राजस्थान, इसको क्लिक करना, पूरे वीडियो की लिस्ट आएगी, या ऊपर लिखा हुआ आएगा वीडियो, वीडियो लिस्ट में देखना पूरे वीडियो मिलेंगे आपको। जितने भी वीडियो अब तक अतुल राजस्थान के डले हैं सारे वीडियो लिस्ट में आएंगे। आप एक काम करना, आज से पहले का हो गया, ठीक है, तो बैराट 3 पार्टों में है दोस्तों। बैराट फर्स्ट पार्ट, सेकंड कल, आज थर्ड पार्ट, 3 पार्ट आ गए। तीनों को देखोगे ये आपको आरएस प्री तक आराम से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। जो बच्चा पुलिस की तैयारी कर रहा है, पटवार की कर रहा है, आराम से इसको देख के पढ़ना है। ये 3 पार्ट हो गए आपकी, बैराट हो गई, गणेश्वर हो गई, मंडोर हो गई, बीनमाल हो गई, ठीक है, ये सभ्यताएं आपकी कंप्लीट लगभग। अब आपको पढ़ाएंगे आहड़, आपकी सभ्यता हो गई। कल जो वीडियो होगा वो होगा काली बंगा। दोस्तों इसको 3-4 पार्टों में पढ़ाएंगे क्योंकि काफी बड़ी सभ्यता है, काफी डिटेल पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे। वैकेंसी अभी आई नहीं, वैकेंसी कभी भी आ सकती है, ठीक है।
पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, राजस्थान पुलिस की भी आने वाली है, आपके सामने ग्राम सेवक भी आएगी, ठीक है। तो ये सारे वीडियो आपको देखने हैं, मैंने पूरी प्रोसेस बता दी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया मेरा, तो दोस्तों प्लीज़ इसे शेयर करें, जो भी आपके मन की बात है वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।